हेलो दोस्तों, मुरे किचन में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे की चटपटा नाश्ते की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो आइए चलते शुरू करते हैं। गेहूं का आटा लिया है मैंने, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को आटे में अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे। नॉर्मल आटा गूंदेंगे जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं। आटा गूंद के तैयार हो चुका है, इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। पाँच मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे सेट हो चुका है। एक बड़ी सी लोई तोड़ लिया है मैंने, थोड़ा सूखा आटा छिड़क लेंगे और बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है, चारों साइडों से इस तरीके से काट लेंगे। अब इस तरीके से कट लगाएंगे, चकोर चकोर टुकड़े बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है, जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से बनाना है। एक टुकड़े को इस तरीके से कर देंगे इसको, और दूसरे टुकड़े को इस तरीके से हाथों के साथ दबा देंगे। ये देखिए, ये फ्लावर कितना अच्छा बन गया। इसी तरीके से और भी बना लेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, सारे मैंने बना लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में 2 गिलास के करीब पानी गरम कर लिया है। 1 चम्मच तेल डाल देंगे इसमें। अब जो आटे के फ्लावर बना के रखे थे वो सारे इसमें डाल देंगे। सारे इसमें डाल देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, सारे पास्ता पक चुके हैं। अब इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। गेहूं के आटे का पास्ता ठंडा हो चुका है, अब इसमें तड़का लगाएंगे। पैन लिया है मैंने, थोड़ा सा तेल डाला है इसमें 2 चम्मच के करीब। अदरक लहसुन डाला है इसमें, इसको पका लेंगे। अदरक लहसुन भुन चुका है, अब इसमें कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। प्याज हल्का हल्का भुन चुका है, इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। कटी हुई शिमला मिर्च भी डालेंगे। उबले हुए कॉर्न डाल दिए हैं थोड़े से मैंने इसमें। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ही डालेंगे, पहले भी नमक डाल चुके हैं आटे में। थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे। सारी चीज़ों को मिलाते हुए हल्का भून लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। सब्जियों में क्रंची रहना चाहिए, इतना भुनेंगे। 8-10 इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी मैं। 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। छोटा पैकेट मैंने मैगी मसाला लिया है, ये भी डाल दूंगी इसमें मैं। सारी सब्जी और मसाले भुन चुके हैं, अभी जो हमने फ्लावर पास्ता बना कर रखे थे अभी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और 3 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको मिलाते हुए। एक चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे इसमें। 1/2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस भी डालेंगे।
एक चम्मच सोया सॉस भी डालेंगे इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा ओरिगेनो भी डाल देंगे इसमें। अब इसको ढक देंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुका है पास्ता हमारा। ये देखिए फ्लावर पास्ता तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी बना है ये पास्ता। तो आप भी इस तरीके से टेस्टी हेल्दी पास्ता बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। ये टेस्टी हेल्दी पास्ता ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान तरीके झटपट घर पे तैयार हो जाता है। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है ये।